नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है निशा किचन में। तो देखिए, अपने खेत में आ गए हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ ही दिनों में होली आने वाला है और होली के त्यौहार जब आने लगता है तो मार्केट में जो कि ओरहा भी मिलने लगता है, तो ओरहा का जो कि आज हम बनाएंगे निमोना। हमारे खेत में जो कि हरे जो चने होते हैं कच्चे वाले, उसको गाँव में ओरहा बोलते हैं। तो हमारे खेत में जो कि ओरहा तैयार हो गया है, तो चलते हैं खेत से ओरहा लेते हैं और इसका टेस्टी सा एकदम निमोना बनाते हैं। इसका निमोना और चावल रोटी के साथ मिलता है तो बड़ा मज़ा आता है खाने में। तो चलते, देखिए बाबू भी आ गया है, काफ़ी अच्छे से एकदम गर्मी आ गई, अभी से बहुत तेज़ धूप लगने लगा है। तो चलिए आपको दिखाते, देखिए यही लगा हुआ पूरा एकदम खेत में। आधा ज़्यादा जो कि चना था, आधा से ज़्यादा तो मोरी खा गया है। और चलते हैं अंदर, घुसते हैं पहले खेत में और देखते हैं, जो कड़े कड़े रहेंगे चने उसी को खाएंगे। तो ये देखिए आ गए और रहा खेत में। तो पहले देखिए, इसमें देखिए अच्छे से दाने एकदम पड़ गए हैं और बहुत में देखिए अभी हल्का हल्का, जैसे कि अभी दाना भी पड़ रहा है। तो जो बढ़िया बढ़िया दानेदार है ओरहा है, उसी को देखिए हम तोड़ लेंगे। देखिए इसके पत्ते पीले पीले होने लगे हैं, तो ओरहा बढ़िया सा ये हो गया है, इसमें दाने बहुत अच्छे से पड़ चुके हैं। ये देखिए हम ऐसे तोड़ लेते हैं और ये देखिए ये भी पीला हो गया है। तो ओरहा देखिए जो कि बीच बीच में देखिए काफ़ी सारा ओरहा जो कि बढ़िया दानेदार वाला हो गया है। ये देखिए सब पीले पीले पत्ते हो गए हैं, इसको उखाड़ लें, जितने पीले पीले सब दिख रहे हैं। मिथ्या को मेरे इसके जो अंदर से जो कच्चे वाले जो चने होते हैं हरे वाले ना, उसको बहुत अच्छा लगता है। और इसको लोग भून के भी खाते हैं आग में, बढ़िया सा काला नमक और हरी मिर्च के साथ भी खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो जो सारी सब्जियां होती है अब सीजन था, तो उनका मज़ा ही कुछ और है बनाना और खाना। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, जो चने हैं इसके देखिए, इसको हरा चना बोलते हैं, ओरहा बोलते हैं इसको। इधर देखिए खेत में और अंदर आ गए हैं और देख लेते हैं, और एक आध मुट्ठी तोड़ लेंगे क्योंकि थोड़ा सा इसमें मेहनत लगता है छिलने में, और ये छिलने के बाद हम थोड़ा सा हो जाता है, तो उसके हिसाब से जो निमोना हम बनाएंगे उसके हिसाब से हम चना लेंगे और रहा जो है। तो और तोड़ लेते हैं हम जो पके पके चने हैं। तो दोस्तों कमेंट में बताइए कि आप लोग को ओरहा का जो निमोना आता है किस किस को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे घर वाले तो इसको बड़ा प्रेम से खाते हैं, ये बहुत टेस्टी भी लगता है। और इस समय जो कि हमारे मंडी में जो मार्केट है मिल रहा है ओरहा, खेतों में भी हो गए हैं। ये वाला उखाड़िए, देखिए बाबू भी खेत में आ गए और ओरहा उखाड़ रहा है। वाह बाबू, ये वाला भी, हाँ वो वाला भी उखाड़ लीजिए। ये ओरहा ज्यादा जानदार है, बाबू कमजोर पड़ गया, अच्छे से उखाड़ो बाबू। चलिए देखिए यहाँ पे काफी सारा हमने जो कि ओरहा ले लिया है, बहुत सारा हो गया है, और चलते हैं अब लेकर इसको घर पर। चलो बाबू चलते हैं आप, चलो हाँ इस तरफ से चलिए। ये देखिए ओरहा लेकर जो कि चूल्हे के पास आ गए हैं। अब इसमें देखिए बहुत सारा काम रहता है ओरहा में जो कि, अब इसको देखिए क्या करेंगे हम, इसको छीलेंगे। जो हरे चने देखिए इसके अंदर के होंगे दाने जो है, इसको निकालेंगे और जिसकी पत्तियाँ इसके छिलके होंगे डाल देंगे, बकरिया भैंस को खा जाएंगे हरे ताज़े पत्ते। तो पहले हरे चने को हम निकाल लेते हैं छिल छिल कर। देखिए इसको छिलने के बाद देखिए चना निकलता है हरा वाला, ये देखिए इस तरीके से चना। और यही अगर इसको हम खेत में छोड़ देते हैं तो ये चना जो कि पक जाता है, और जो चना हम सूखा वाला मार्केट में जो खरीदते हैं ना, तो यही ये चना होता है, सूखा कर इसको स्टोर कर रख देते हैं तो ये सूखा चना जाता है। और ये है हरा चना, ये देखिए एक बार मैं खा कर भी देखती हूँ, बहुत मीठा लग रहा है खाने में। बाबू आपको भी चाहिए, लो जो रहा था, देखिए हमने इसको इसके दाने जो देखिए निकाल लिए है, कितना खूबसूरत दाना लग रहा है। और इसको छिलने मुझे कम से कम आधा घंटा से ज़्यादा लगा है थोड़ा, क्योंकि इसको छिलने में थोड़ा समय लगता है। तो चलते पहले जो चना था इसको हम धो लेते हैं साफ पानी से। और निमोने में देखिए आलू डालेंगे, यहाँ पे प्याज और लहसुन और टमाटर लिया है, तो सभी चीज़ों को बढ़िया से धो के रख लेंगे। तो देखिए चना है, इसको हम धो के रख लेते हैं। तो देखिए इधर हमने सब चीज़ की तैयारी करी, यहाँ पे देखिए तड़का मैंने काट दिया प्याज और हरी मिर्च और लहसुन, और मैंने हरी मिर्च लिया, ये मसाले कुछ पीसेंगे हम निमोना में। तो टमाटर काट लिया, इधर आलू भी काट लिया थोड़ा सा। जो चना मैंने देखिए इधर धुला था, इसको हम अब से बट्टे पीस लेंगे, एकदम दरदरा पीसेंगे। इसको पीसने के बाद फिर हम मसाला पीसेंगे। देखिए इस तरीके से हम दरदरा करके पीस लेते हैं चने को। तो चना देखिए जो रहा था, देखिए मैंने पीस लिया है, अब कुछ मसाले पीसेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने साबुत धनिया लिया है, हमारे घर का धनिया है, इसको सी बट्टे पे डाल देंगे, आधा डालते हैं और आधा रख देंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ गरम मसाले, इसमें काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेजपत्ता, जीरा है, जिसको हम डालेंगे। गरम मसाला जो कि अपने पसंद से आप ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पे देखिए बड़ी इलायची डाल देते हैं,
ये है हमारा गरम मसाला, इसको डाल दिया मैंने। अब इसमें डालेंगे हम, देखिए यहाँ पे हरा मिर्चा, लहसुन, इसको भी साथ में डालेंगे, इसके साथ पीसेंगे। और प्याज एक ले लेते हैं पीसने के लिए, यहाँ पे जो मैंने काटा है। अब पानी डालकर हम इस मसाले को एकदम बारीक पीस लेंगे। जब ये सब मसाले पीस के पड़ते निमोने में तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है निमोने का। इसको देखिए एकदम बारीक हम पीस लेंगे। अब चूल्हे में ईंधन को जला दिया, रख दिया कढ़ाई, इसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया था। और तेल देखिए अच्छे तरीके से हमारा गर्म हो गया है। जब तेल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तभी इसमें तड़का लगाए। तो इधर देखिए मैंने पचफोरन और सूखा लाल मिर्च लिया है, इसको डाल दे रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने हींग लिया, इसको डाल देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने प्याज और हरी मिर्च काटा है, इसको डाल देते हैं। प्याज को बढ़िया सा भून लेंगे लाल कलर का। यहाँ देखिए तड़का था हमारा बढ़िया से लाल हो गया। अब इसमें हम डालेंगे आलू, जो मैंने आलू देखिए यहाँ पे काटे हैं, इसको भी डाल देंगे साथ में। अब आलू को थोड़ी देर तक पहले भून लेते हैं। आलू देखिए इधर मैंने भून लिया है। अब इधर जो मैंने चना पीसा था इसको भी डाल देंगे। तो आलू और चने को एक बार फिर से हम खूब बढ़िया सा भून लेते हैं। जितना हम इस चने को भूनेंगे उतना ही सब्जी जो है इसका निमोना जो है बहुत बढ़िया बनेगा। ये देखिए इसको बढ़िया से पहले भून लिए इसको अच्छे तरीके से। इधर देखिए जो मसाला था हमारा देखिए पिसा गया है। अब इसको हम कटोरी में उठा लेंगे। इधर देखिए जो मेरा आलू था और चना था बढ़िया से देखिए भुना गया है। इधर जो मैंने मसाले पीसे ना इसमें डाल देते हैं हल्दी पाउडर आधा चम्मच, और थोड़ा सा डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। तो ये देखिए हमारा जो चना था बढ़िया सा भून गया है। इधर जो मैंने मसाला देखिए कटोरी में हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मिला लिया है। अब इसको देखिए मसाले को हम डाल देते हैं कढ़ाई में, इसको बढ़िया चला कर थोड़ी देर तक इसको भून लेंगे। देखिए इसी कटोरी में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और मसाले को देखिए थोड़ा सा भुना है और कढ़ाई में देखिए मसाला जो कि अब लगने लगा है। यहाँ पर पानी डाल लेते हैं तो मसाले को मौसम से पका लें। और इसी के साथ हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए स्वाद अनुसार नमक डाल दे रहे हैं। इधर मैंने देखिए पके हुए टमाटर काटे हुए थे, ये हमारे खेत के टमाटर हैं, इसको भी डाल देते हैं साथ में। बढ़िया देखिए मसाले से भून लेंगे, जो मैंने मसाला पीस के डाला था उसमें बढ़िया से इसको पका लेंगे। इधर देखिए बढ़िया से जो कि हमारा मसाला भुना गया, अब थाली हटाते हैं और इसमें पानी डालेंगे ग्रेवी के अनुसार। ये देखिए अब नीचे से देखिए जो हमारा निमोना था नीचे लगने लगा है, जो मसाला था वो देखिए कितना बढ़िया से भुना गया है। टमाटर भी काफ़ी सारा गल गया है, इसमें हम पानी डाल देते हैं। तो अपने ग्रेवी के अनुसार आप पानी कम ज़्यादा कर सकते हो। तो हमें चावल और रोटी के साथ खाना है तो थोड़ा सा पानी और डालेंगे हम। अब देखिए पानी मैंने डाल लिया, इसको चलाकर अब ढककर पका लेते हैं। निमोना मेरा काफ़ी देर तक पक रहा था, देखिए पक चुका है। अब इसको देखिए थाली हटाते हैं और इसको देखिए चला दे रहे हैं। देखिए पक कर कितना गाढ़ा हो गया निमोना जो कि। तो इसमें डालेंगे हम देसी घी। निमोना में अगर देसी घी ना पड़े तो स्वाद जो है फीका ही रह जाता है। तो यहाँ पे देखिए घर का हमारा देसी घी है, अब इसको हम डाल देंगे। देसी घी मैंने डाल दिया, अब डालेंगे ताजे धनिया की पत्तियों को डाल देते हैं। इसको देखिए चला देंगे। जब निमोना पक जाए तो ऊपर डाले देसी घी, इससे जो है निमोने का टेस्ट दो गुना बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिए निमोना बनकर हमारा रेडी हो गया चने का। अब इसको देखिए थाली में निकालते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने रोटी और चावल ले लिया है, रोटी और चावल मैंने पहले बना लिया था। ये देखिए निमोने को देखिए थाली में निकाल देते हैं। ये देखिए कितना टेस्टी बना निमोना बनकर रेडी हो गया है। आप इस निमोने को चावल के साथ, रोटी के साथ, चावल की लिट्टी के साथ, बाजरे की लिट्टी के साथ, किसी के भी साथ खाइए, बहुत मज़ा आता है खाने में। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए उरहा जो कि मार्केट में मिल रहा है, और ले आइए और निमोना बनाइए और सबको खिलाइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों कमेंट करते रहिए कि आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है, और अपना ओपिनियन अपना राय जो है हमें देते रहिए कि आप लोग को और किस चीज़ की रेसिपी बनाकर मैं दिखाऊँ। तो अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, धन्यवाद।